और इस सड़क पर इतने ज्यादा गड्ढे हैं कि आज ही हमने कई सारे लोगों से बात करी तो दो तीन तो टीचर्स गिर गई हैं। आए दिन की यही कहानी है। हमारी सरकार कहती है कि हम इस भारतवर्ष को, यहाँ की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ के हालात देख के ऐसा लगता है कि हमारी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त बनेंगी। चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। बनाने के लिए मेरा कोई पर्सनली अपना हित नहीं है, लेकिन यहाँ से इतने बच्चे आते हैं। मेरी भी बच्ची सोफिया में ही पढ़ती है और भी बहुत से बच्चे हैं। आप गड्ढों की हालत देखिए। बस मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और आप मुझसे सहमत है तो इस पर लाइक दीजिए। ये यहीं का हाल नहीं है, पूरे अभी पानी भरेगा तो लोगों को अंदाज़ा नहीं लगता। आए दिन यहाँ बच्चे गिरते हैं, फैकल्टीज़ गिरती हैं। बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो मतलब आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ये बनने से कमेंट वालों को भी कहा आप ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये प्रेस में ही जाना है, तो थोड़ा क्लोज आ जाइए और अपने व्यूज दीजिए, क्योंकि मेरा तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं। लेकिन बच्चे साइकिलों से जाते हैं, स्कूटर से जाते हैं। इधर आ जाइए आप। उनकी बैक लगी है, फिर वो दोबारा बैठी, एक अभी रिक्शा वाला आता वो गिरा उसमें। ऐसा नहीं होता है, बच्चों के लिए तो रिक्शा, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये रिक्शा भी पलट जाता है यहाँ पे। सर पानी में भी अंदाजा नहीं होता, कई बार जिन्हें रोज सड़क देखते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नहीं देख रहे तो उनको तो नहीं पता ना। कई बार स्कूटियाँ गिर जाती हैं, लेडीज लेने आती हैं अपने बच्चों को, वो गिर जाती हैं। जिनको पता है वो तो अपना ठीक से जा सकते हैं, जिनको नहीं पता है वो तो गिरने ही गिरने हैं। और उसके अलावा भी बड़े बड़े वाहन भी आते हैं यहाँ पे, वो भी गिरते हैं।